दोस्तों अपने YouTube चैनल के क्रोम ब्राउजर को डेस्कटॉप साइट में लॉगिन कैसे करें। आप लोग बड़े बड़े क्रिएटर्स का वीडियो देखते हैं, वे लोग बोलते हैं कि अपने चैनल को क्रोम ब्राउजर के डेस्कटॉप साइट में लॉगिन कर लेना है। इसके बाद जो भी सेटिंग या ट्रिक है तब उसे बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि इसको डेस्कटॉप साइट में लॉगिन कैसे करना है, जो कि छोटे छोटे क्रिएटर हैं वे लोग नहीं जानते हैं। बड़े क्रिएटर हैं वो तो कुछ लोग हैं जो कि बहुत पहले से ही काम कर रहे हैं तो वे लोग जानते हैं, और कुछ लोग क्रोम ब्राउजर में अपने यूट्यूब चैनल को लॉगिन करते हैं तो यूट्यूब एप्स पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं, वो क्रोम ब्राउजर में लॉगिन नहीं कर पाते हैं। ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहे, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही यूट्यूब से जुड़ी टिप्स वीडियो मिलती रहती है। दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। यूट्यूब चैनल को क्रोम ब्राउजर के डेस्कटॉप साइट में लॉगिन करने के लिए मैं अपने मोबाइल स्क्रीन का सहारा लेना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं, ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर एप्स खोल लेना है, जैसा गूगल क्रोम होता है उसको खोल लेना है। खोल लेने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। मैं सबसे ईजी और आसान तरीक बताने वाला हूँ यूट्यूब चैनल को डेस्कटॉप साइट में लॉगिन करने का। आपको यहाँ पर यूट्यूब का लोगो दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं या आप यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहां टॉप साइट है, यहां पर भी जाकर YouTube आप खोज लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर YouTube है, यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा बैक आकर आपको यहां पर सर्च कर लेना है www.youtube.com, इस तरह से सर्च कर लेना है। सर्च कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो आपको यहाँ पर ऊपर जो थ्री डॉट दिखाई दे रहा है वहाँ पर देख सकते हैं कोने में, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आ रहा है, जैसा कि देख सकते हैं इस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको कुछ पेज लोडिंग होगा कुछ इस तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कोने पर आपको देख सकते हैं आपका चैनल का लोगो दिख रहा होगा, तो वहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर योर चैनल का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो आपको यहाँ पर कस्टमाइज वाले पर सेक्शन पर क्लिक कर देना है, यानी वहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से जो पेज लोडिंग होगा, क्योंकि देख सकते हैं जो पेज लोडिंग हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। सर देख सकते हैं जो हमारा चैनल है क्रोम ब्राउजर के डेस्कटॉप साइट में लॉगिन हो गया है। जैसे कि मैं डैशबोर्ड पर ऑप्शन वाले पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ जो हमारा पेज लोडिंग है, जो कि देख सकते हैं जो कि लॉगिन हो गया है। इस तरह से आप आसानी से चैनल को लॉगिन कर पाएंगे। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।